नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 वाला. इस पे लिखा हुआ है द अर्थ एज अ होल नाइदर एक्यूमुलेट्स हीट नॉर लूजेस इट ड्यू टू सोलर इंसुलेशन. मतलब वही चीज जो अभी मैंने बताई कि अर्थ जो है ना ही क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है. एक्यूमुलेट मतलब ऐसा मान लो कि गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, ना ही एक्यूमुलेट करता है हीट को और ना ही लूज करता है, ये ना ही मतलब उसका नुकसान करता है, ठीक है, ड्यू टू सोलर इंसुलेशन. सोलर इंसुलेशन की वजह से क्यों? पहला ऑप्शन है सर्कुलेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ एंड पैरामेडिकल हीट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. मतलब जो मैग्मा है इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसके सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या ऐसा होता है आपको बताना है कि उसकी वजह से टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है अर्थ के अंदर. दूसरा ऑप्शन है आपका द अर्थ इज टर्न्स रेडिएट बैक सोलर सोलर इंसुलेशन रिसीव फ्रॉम द सन. मतलब जो अर्थ है वो क्या करती है, जितनी भी रेडिएशन आई उसको बैक कर देती है, यानी सोलर इंसुलेशन से जितनी भी एनर्जी आई उसको वापस छोड़ देती है. तीसरा लिखा है कि रेडियो एक्टिव डिके इन द कोर रेगुलेट सरफेस टेम्परेचर. जो भी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी है, मतलब जो भी रेडियो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, अर्थ अर्थ के कोर के अंदर वो रेगुलेट करती है सरफेस के टेम्परेचर को. तो अर्थ के कोर के अंदर जो है जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या कर देती है, रेगुलेट करती है, तो इसलिए नहीं होता. और चौथा ऑप्शन है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड करंट ब्लोइंग इन द अर्थ एटमोसफियर. तो अर्थ के एटमोसफियर के ऊपर क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन जो है वो विंड ऐसी बहती है, ठीक है. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर ऐसा आपको सुटेबल लगेगा इन चार में से. तो उसके लिए आपके 30 सेकेंड्स काफी है, तो ये डायरेक्ट आंसर है, तो जल्दी से बताइए. ठीक है, चलिए देखिए फिर. ये तो सिंपल सी चीज है, ये कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है वो हीट बजट का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ये वाला. ये हमने पढ़ा था पहले भी कि इसके अंदर अर्थ के एनर्जी बजट यानी जो हीट बजट है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है. इस अर्थ के एनर्जी बजट या हीट बजट के अंदर हमने पढ़ा था कि सोलर एनर्जी से जितनी भी हीट आती है वो मतलब फाइनली वो क्या हो जाती है, उतनी ही वापस चली जाती है. देखो अर्थ की जितनी 100% एनर्जी आई उसमें से 51% यहाँ आई, उसके बाद सारी एनर्जी वापस किसी न किसी फॉर्म में वापस चली जाती है और यही अर्थ का एनर्जी बजट होता है, ठीक है. तो वही पूछ रहा था कि अर्थ जो है नहीं वो एक्यूमुलेट करती है हीट को और नहीं लूज करती है, तो उसका मेजर रीजन क्या है. तो उसका मेजर रीजन है बी, यानी अर्थ क्या करती है, रेडिएट बैक कर देती है यानी वापस छोड़ देती है सारी रेडिएशन को थ्रू सोलर इंसुलेशन के थ्रू वापस छोड़ देती है, इसीलिए वो जो है ऐसा कुछ होता है, यही वो एनर्जी बजट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो इसलिए आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन है द एनुअल इंसुलेशन रिसीव बाय अर्थ इन जनवरी इज स्लाइटली मोर देन अमाउंट रिसीव इन जुलाई, ठीक है. नॉर्थ हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में बताया गया है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर को आप मान के चलिए. कह रहा है कि जो एनुअल इंसुलेशन रिसीव बाय अर्थ इन जनवरी है वो थोड़ा सा मोर देन इन जुलाई होता है. हाउएवर दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. नॉर्थ हेमिस्फीयर नहीं, पूरे अर्थ के कॉन्सेप्ट में बता रहा है. कह रहे कि जो अर्थ है उसमें जनवरी के टाइम पे जो है इंसुलेशन जो रिसीव होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ जुलाई, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ग्रेट इफेक्ट नहीं होता है डेली वेदर पे, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो रोज का वेदर है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. क्यों, ठीक है, आपको बताना है क्यों. फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होने की वजह से, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से, या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. आपको दिए जाते हैं इसके लिए 1 मिनट, जल्दी से बताइए. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ये था कि 3 जनवरी को जो है सन बहुत ज्यादा नजदीक होता है अर्थ के, जिसको हम जो है पेरिहेलियन कहते हैं, यानी इसको उपसौर कहते हैं हिंदी में. और 4 जुलाई को यानी जुलाई के टाइम पे जब सन बहुत ज्यादा दूर होता है, जिसको हम अपसौर कहते हैं या एपिलियन कहते हैं, उस दिन ऐसा क्यों होता है कि 3 जनवरी को सन नजदीक होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, जबकि सन नजदीक है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, थोड़ा सा मोर लाइट मिलनी चाहिए इन कंपेरिजन ऑफ जुलाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? पहला ऑप्शन था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब सीधा सीधा ये है, इस टाइम पे सन है कहाँ, इस टाइम पे सन है सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर,
और सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने खासियत ये बताई थी कि सदर्न हेमिस्फीयर हैव लेस लैंड, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ही कम है, जिसकी वजह से ये होगा कि वहाँ की जो सी है, ओशियन है, वो कम गर्म हो पाएंगे। मतलब सन के नजदीक होने के बावजूद भी जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो कम गर्म हो पाएगा, क्योंकि वहां पे मेजरली क्या है, सीज है, ठीक है, यानी ओशियन है वहां पे। अगर ये उल्टा होता, मतलब इस टाइम पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन होता, तो बेसिकली बात 100% ये थी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड ज्यादा है, ठीक। और सदर्न हेमिस्फीयर पे इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या है, सी है, ओशियंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ता है, इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेट इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब वही जो अभी तक मैं बता रहा हूँ, कि सन जो है इस तरीके से सर्कुलेट करता है, ठीक है। मतलब 21 जून को यहाँ है, जुलाई को आगे होगा, जैसे 21 जून को हम यहाँ पे है, फिर जुलाई, मार्च यहाँ है, जून यहाँ है, सितंबर यहाँ है, दिसंबर यहाँ है। तो इसने बोला क्या, इसने कहा कि जुलाई के टाइम पे तो ठीक है यहाँ पे होगा, लेकिन जब हमारा जनवरी आ चुका होगा उस टाइम पे सन कहीं यहाँ के आसपास होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में सन चला जा रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर की क्वालिटी ये है कि वहाँ पे लेस लैंड है और बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये भी मेजर रीजन है, ठीक है। मैंने कहा मेजर रीजन क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज्यादा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सन जो गया है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से गया है, इसलिए ये भी सही है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और फिर ये से कोई मतलब है नहीं उसको, ठीक है। तो आंसर शुड बी क्या, ए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो है आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा आप मतलब क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद आंसर दीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा उसको स्किप करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन है। जनरली द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियन बिकॉज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो है सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां पे आपको मोर हीट मिलेगी, मोर इंसुलेशन मिलेगा देन ओशियन, ओशियन की क्यों, ठीक है। बोला गया है ओशियन आर क्लाउडेड, ओशियन पे बादल लगे हुए होते हैं। दूसरा, कॉन्टिनेंट है वेरिड रिलीफ, यानी रिलीफ का मतलब यहाँ पे इसने अल्टीट्यूड से मतलब है कि ओशियन जो है ऊंचा होता है, सॉरी जो आपका कॉन्टिनेंट है वो ऊंचा होता है, हायर एल्टीट्यूड में होता है, ओशियन जो है लोअर एल्टीट्यूड में होते हैं, तो इसकी वजह से। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो नहीं हो रहा है तो अभी हो जाएगा, आप यहाँ पे आंसर दीजिए, इसका क्या परफेक्ट आंसर होगा, और आपको इसके लिए दिया जाता है 1 मिनट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताइए पहले कि ओशियन और कॉन्टिनेंट इन दोनों में सबसे ज्यादा इवेपोरेशन कहाँ होगा? इवेपोरेशन जो है वो ओशियन पे ज्यादा होगा या कॉन्टिनेंट पे ज्यादा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ओशियन पे कॉन्टिनेंट से ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ये बात तो सही है, समुद्र पे ज्यादा पानी है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। और ज्यादा इवेपोरेशन लगने का मतलब क्या ये नहीं होगा कि ज्यादा बादल लगेंगे, ज्यादा क्लाउड्स होंगे, क्योंकि इवेपरेशन से होगा क्या, इवेपरेशन होगा तो क्लाउड्स होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ओशियन आर मोर क्लाउडियर देन कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले ओशियन पे ज्यादा क्लाउडियर होते हैं, और ज्यादा क्लाउड्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इंसुलेशन आएगा, सन से जो लाइट आएगी, सन से जो रेडिएशन आएंगी, वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगी, तो इसीलिए जो है डिफरेंस होगा, ये सही बात है, ठीक है। मतलब ओशियन पे बहुत ज्यादा आपके क्लाउड्स लगे होते हैं, बादल लगे होते हैं, इसकी वजह से जो है वहां पे लेस इंसुलेशन मिलेगा, सूर्य ताप कम मिलेगा, क्योंकि बादल रिफ्लेक्ट कर देंगे ओशियन से जो है जो भी सनलाइट आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है। दूसरा देखो, कॉन्टिनेंट है वेरी रिलीफ इन अल्टीट्यूड, यानी दोनों में डिफरेंट अल्टीट्यूड होता है, कॉन्टिनेंट का अल्टीट्यूड और ओशियन का अल्टीट्यूड अलग अलग होता है। अल्टीट्यूड का मतलब ऐसा हाइट समझो, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अल्टीट्यूड का मतलब है कि हाइट, दोनों डिफरेंट हाइट पे होते। अब ऐसा समझो, क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये इससे थोड़ा सा हाई अल्टीट्यूड पे होगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे पहाड़ भी होंगे, पर्वत भी होंगे, ये सारी चीजें सही है, ठीक है। लेकिन कुछ ओशियन होंगे जो इस इंडिया से भी ज्यादा अल्टीट्यूड पे होंगे,
ठीक है, अल्टीट्यूड जो है ओशियन का ज्यादा हो सकता है, उस पर कोई है नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि हाइट पे ओशियन नहीं होंगे हाइट पे सही नहीं होंगे, हमेशा इन दोनों के अल्टीट्यूड पर डिफरेंस होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीट्यूड पे वैसे भी आपका जो है हाइयर, बहुत ज्यादा हाइयर माउंटेन और इसका फर्क पड़ सकता है लैंड का। ठीक है, दो डिफरेंट एल्टीट्यूड का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ओशियन और कॉन्टिनेंट में हमेशा अल्टीट्यूड का फर्क हो जरूरी नहीं है। ओशियन कभी कभार ओशियन भी हाइयर एल्टीट्यूड पे हो सकते हैं देन किसके, कॉन्टिनेंट के। ठीक है, मतलब तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्टिनेंट और जो आपका ओशियन है उसमें वैरायटी होने की वजह से उनके अल्टीट्यूड में इसलिए डिफरेंस आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो गलत आंसर है। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट आंसर विल बी ए। कंफ्यूजन है किसी को पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है कैटाबेटिक विंड्स के बारे में पूछा है। कैटाबेटिक विंड्स ऑकर ड्यू टू, अब कैटाबेटिक आपने नाम सुना नहीं होगा, कैटाबेटिक ये होती है, ये हमने आपने ओशियन और लैंड ब्रिज पढ़ा होगा, ये सॉरी माउंटेन एंड ये क्या कहते हैं इसको, वैली ब्रिज। ठीक है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, तो इस माउंटेन से नीचे उतरने वाली ये जो विंड है ये कैटाबेटिक विंड्स है, माउंटेन से नीचे उतरने वाली। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना है कैटाबेटिक विंड्स ऑकर ड्यू टू, यानी कैटाबेटिक विंड जो है वो क्यों बनती हैं, इसका कारण आपको बताना है। पहला है डेंसिटी डिफरेंस इन द विंड एट द डिफरेंट अल्टीट्यूड, यानी अलग अलग ऊंचाई पे जो है डेंसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व का डिफरेंस होता है अलग अलग ऊंचाई पे, तो इसकी वजह से। दूसरा है डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ ओशियन सरफेस नियर द कोस्ट, यानी जो है ओशियन सरफेस और जो कोस्ट है उसमें जो गर्म होने की प्रक्रिया है उन दोनों में डिफरेंस होता है। थर्ड ऑप्शन है लोकल थंडर स्टॉर्म, यानी जो तड़ित झंझा है या जिसको हम कहते हैं बिजली का लगना, तो लोकल जो थंडर स्टॉर्म है गाइडेड बाय हाई कन्वेंशन रेट्स। ठीक है, मतलब हाई कन्वेंशन रेट्स का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है थंडर स्टॉर्म में उसकी वजह से। नेक्स्ट है सीजनल लैंड ब्रिज इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कहने का मतलब है कि किसी विशेष ऋतु में या किसी विशेष टाइम पे, या सीजनल जिसको हम कहते हैं मौसमी, लैंड ब्रिज का मतलब है जिसको हम कहते हैं कि भूमि जो पवने चलती हैं या लैंड ब्रिज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो उसकी वजह से। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रीजन सही होगा, जल्दी क्विकली आंसर करिए। चलिए देखते हैं कैटाबेटिक विंड क्या थी। कैटाबेटिक मैंने बताया था कि कैटाबेटिक विंड ये है, कैटाबेटिक विंड कहने का मतलब है कि जो ये माउंटेन से इधर नीचे उतर रही है। ठीक है, ये इसको हमने पढ़ा था किसके फॉर्म में, माउंटेन एंड वैली ब्रिज के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से तो नीचे जो हवा उतरती है इसका मेनली रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया था कि डे के ऊपर जब डे होगा जब सन आया होगा तो उस टाइम पे माउंटेन बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, नीचे हाई प्रेशर होगा वैली में, क्योंकि ये हायर अल्टीट्यूड पे है तो ज्यादा गर्म, ये लोअर अल्टीट्यूड पे तो कम गर्म, तो ये लो ये हाई, तो हवा ऐसे चलेगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे चलेगी माउंटेन की ओर, और ये हवा ऊपर जाके फिर नीचे बैठेगी कूलर एयर इस हाइयर प्रेशर में, तो इसको कह रहे थे हम कौन सा, ये होती है आपकी वैली ब्रिज। जबकि रात को उसका उल्टा होता है, रात को आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये कोल्ड, ये क्या है कूल एयर है, कूल एयर क्या होती है जनरली नीचे बैठती है इस तरीके से, क्योंकि ये इस मतलब रात को क्या होगा, रात को ये हायर अल्टीट्यूड पे है तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि रात को ऊंचाई वाला इलाके ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, ज्यादा हीट छोड़ चुके होंगे वापस, तो ये वाला कोल्ड हो जाएगा, और ये कोल्ड होने का मतलब हाई प्रेशरिक हो जाएगा, नीचे ये कम हीट छोड़ेगा तो लो प्रेशरिक होगा, यहाँ पे गर्म होगा इसके मुकाबले, तो हाई से लो हवा ऐसे चलेगी, और इसके बाद यहाँ से हवा ऊपर जाने के बाद इन इलाकों पे एक सर्कुलेशन पूरा होगा, और इसको हम कहते हैं कौन सा विंड, इसको कहा जाएगा आपका माउंटेन ब्रिज। ठीक है, तो माउंटेन ब्रिज ये नीचे उतरने वाली हवा के बारे में पूछा है, कैटाबेटिक विंड क्यों होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, सीधा सीधा देखो, इसने कहा कि डिफरेंस इन डिफरेंट अल्टीट्यूड पे, वही तो था ये अल्टीट्यूड के डिफरेंस की वजह से तो कैटाबेटिक विंड चल रही है, इन दोनों का अल्टीट्यूड डिफरेंस है, वही तो मैंने बताया कि दिन पे ये हाईर अल्टीट्यूड पे ज्यादा गर्म होगा, ये कम अल्टीट्यूड पे है तो कम गर्म होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी दोनों में डेंसिटी डिफरेंस होगा किसकी वजह से, डिफरेंट अल्टीट्यूड की वजह से इसीलिए होगा, बाकी रिलीवेंट है ही नहीं, ओशियन सरफेस से कोई मतलब है नहीं, थंडर स्टॉर्म से कोई मतलब है नहीं, लैंड ब्रिज तो है नहीं, तो इसीलिए वैसे भी अगर ये नहीं भी आ रहा होता तो सीधा सीधा आंसर ए होता। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने बता दिया था कि कैटाबेटिक विंड क्या होती है, इसका आंसर है ए वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू रेन क्लाउड अपीयर ब्लैक इन कलर डिस्पाइट हैविंग सन ओवरहेड? कहने का मतलब है कि जो रेन क्लाउड्स हैं यानी बारिश करने वाले जो क्लाउड्स हैं वो काले क्यों दिखते हैं जबकि सन जो है ओवरहेड होता है, यानी सन उनके ऊपर ही होता है फिर भी ये काले दिखते हैं। ठीक है, आपको बताना है। पहला, इट इज ड्यू टू डस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स के ऊपर जो डस्ट इकट्ठी हुई होती है उसकी वजह से होता है, या डस्ट मतलब जो धूल होती है उसकी वजह से होता है। और दूसरा है, इट्स ड्यू टू द एब्जॉर्बेशन ऑफ सनलाइट बाय द क्लाउड्स, यानी जो क्लाउड्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, इसकी वजह से होता है। तीसरा है, क्लाउड स्केट लाइट रिसीव बाय देम, यानी जो क्लाउड्स हैं बादल हैं वो स्केट कर देते हैं यानी फैला देते हैं। ठीक है, जो सनलाइट है उसको फैला देते हैं, इसकी वजह, फैलाने का मतलब है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से होता है। और तीसरा है, रेन ब्रिंग क्लाउड रिफ्लेक्ट और सनलाइट रिसीव बाय देम बैक इन स्पेस, जो रेन क्लाउड हैं बारिश वार करने वाले जो बादल हैं वो सूर्य से आने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से ये ब्लैक दिखाई देते हैं। तो आंसर दीजिए जल्दी से, आपको दिया जाता है 1 मिनट। पूछा था आपको कि जो क्लाउड्स हैं वो ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कोई भी चीज जो है ब्लैक दिखाई या फिर कोई भी कलर मतलब किसी भी चीज का आता है तो वो इसलिए आता है। फॉर एग्जांपल, ये आप ये मान के चलो कि आपको जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो आपको अगर ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ट्री है वो क्या कर रहे हैं, सन से आने वाली जो सेवंथ लाइट होती है, आपने पढ़ा होगा जैसे कि जो सेवन लाइट होती है वो 7 लाइट में से सन जो है बाकी 6 को रिफ्लेक्ट कर दे रही है और ग्रीन को रख रहे हैं, तो इसीलिए वो ग्रीन दिखाई देती है। ऐसी कोई भी चीज हो जो हमें कलरफुल दिखाई देती है वो बाकी कलर को क्या कर लेती है, रिफ्लेक्ट करती है, और जो बच जाता है कलर वैसी कुछ को दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने ये साइंस के अंदर पढ़ा होगा, लिखा भी ये देखो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ वेबजोर के अंदर जो आपने जो पढ़ा है, दी कलर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्ट सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे रेड इज स्केट फर्स्ट एंड वॉयलेट द लास्ट, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, लाल जो है वो पहले स्केट हो जाता है यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है और वॉयलेट लास्ट में होता है। ठीक, दिस हैपन सच एज हाई एल्टीट्यूड दैट नो रेज ऑफ द सन रीच द बॉटम ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है, दस वी डोंट सी द रेज ऑफ सन एंड दिस रिजल्ट डार्क इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो जो क्लाउड्स हैं वो क्लाउड क्या कर देते हैं, जो सनलाइट है सनलाइट नीचे नहीं आ पाती और जो सनलाइट की जो बाकी कलर से उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, कर देते हैं ये क्लाउड, और जो ब्लैक कलर बच जाता है उसकी वजह से ब्लैक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो देखो, एज अ नॉर्मल क्लाउड हैव नो वाटर द लाइट इज नॉट स्केट डज लुक वाइट, मतलब जो नॉर्मल क्लाउड है वहां पे वाटर नहीं होता है तो ये स्केट स्केट मतलब फैला नहीं पाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वाइट दिखाई देती है, लेकिन ये क्लाउड है बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और जो है ब्लैक कलर बच जाता है तो उसकी वजह से ये ब्लैक दिखाई देती है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन था यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑल सनलाइट रिसीव, ये नहीं होता, सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, अगर ऑल सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देते तो अंधेरा हो जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, आपका सी आंसर, यानी जो क्लाउड है वो स्कैट कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर किस चीज को, लाइट को स्कैटर कर देते हैं यानी फैला देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्कैटर करने की वजह से जो ब्लैक बच जाता है वही ये ब्लैक दिखाई देते हैं, इसलिए आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सिंपल है, उस पर इतना हेल्प ट्रीट करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलो नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विंड विल स्ट्राइक यूर बैक, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से पढ़ना है, wind will strike your back and continue the to the sea if you are sitting on the beach facing facing the sea on sunny afternoon, मतलब आप दोपहर के टाइम पे क्या हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और सी की तरफ आपको मुंह है, ये आपका सी है तो आपका मुंह सी की तरफ है और क्या हो रहा है, विंड विल स्ट्राइक यूर बैक, यानी हवा जो है आपके पीछे से चलेगी, ये आप है, आपका मुंह इस सी की तरफ है तो विंड जो है हवा आपके बैक पे चलेगी, यानी आपके बैक को, यानी जो आपकी पीठ पे हवा लगेगी आफ्टरनून के अंदर, आपको बताना है। और दूसरा है, आपको बताना कि सही है या गलत है, करेक्ट पूछ रहा है तो आपको बताना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, विंड विल स्ट्राइक योर फेस कंटिन्यू द सी इफ यू आर सिटिंग विद द योर बैक फेसिंग द सी एट क्लाउड नाइट, यानी रात के, रात का टाइम है, नाइट है, ये तो दोपहर था, नाइट के टाइम पे आप अब उल्टा करके बैठे, यानी आपका मुंह इस साइड को है, ठीक है, आपके जो बैक है वो आपकी समुद्र की तरफ है
और ये कह रहा है विंड विल स्ट्राइक योर फेस, यानी जो हवा है आपके मुंह पे लगेगी, आपका फेस को स्ट्राइक करेगी और सिर की तरफ बहेगी जब आप रात में इस तरीके से बैठे होंगे। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। आपको दिया जाता है 1.5 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। जल्दी से आंसर बताइए। देखो फिर अब ये पूछा गया है किस चीज के बारे में, ये पूछा है आपको ब्रिज के बारे में। हमने जैसे अभी माउंटेन एंड वैली ब्रिज पढ़ा था, वैसे ही लैंड एंड सी ब्रिज होता है। सी ब्रिज को शायद समुद्री समीर कहते हैं हिंदी में, समुद्री समीर हुई, और लैंड ब्रिज को आप जमीन समीर या भूमि समीर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब तो जमीन से चलने वाली जो हवा है उसको लैंड ब्रिज, और सी से चलने वाली इसको सी ब्रिज कहेंगे, इसको ध्यान रखना। तो इसके बारे में पूछा गया है, तो ये कुछ ऐसी है। देखो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, डे के टाइम पे जब दिन होता है, डे होता है, उस टाइम पे क्या होता है, सी ब्रिज चलती है, यानी इस टाइम पे सन आया होगा और सन की वजह से लैंड ज्यादा गर्म होगी, सी कम गर्म होगा, ठीक है। इसका मतलब लैंड ज्यादा गर्म है, ज्यादा टेम्परेचर है तो लो प्रेशर, सी पे हाई प्रेशर, हवा चलेगी हाई टू लो प्रेशर यानी लैंड से सी की ओर, और इसको कहते हैं सी ब्रिज यानी हिंदी में समुद्री समीर, ठीक है, समुद्री समीर। और रात को क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है हीट को छोड़ देगी, लेकिन समुद्र जो है हीट छोड़ने में बहुत टाइम लगाता है, तो रात को ये लो प्रेशर होगा, ये हाई प्रेशर होगा, क्योंकि जो जमीन है वो ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी रात के टाइम पे, ये हाई ये लो, तो हवा चलेगी जमीन से समुद्र की ओर, इसको कहते हैं भूमि समीर या फिर लैंड ब्रिज, ठीक है, भूमि समीर कह लो या फिर लैंड ब्रिज कह लो, ठीक है, इस तरीके से चलती है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें बोला गया कि आप आफ्टरनून में यानी दोपहर में क्या हो, आप बैठे हो बीच पे यानी समुद्र के किनारे बैठे हो, और आपका जो है फेस जो है सी की तरफ है, यानी आप यहाँ पे बैठे हो और आपका जो फेस है इस तरीके से सी की तरफ है, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है, विंड विल स्ट्राइक यूर बैक एंड कंटिन्यू द सी। अब ये कह रहा है विंड विल स्ट्राइक यूर बैक, नहीं, विंड विल स्ट्राइक यूर फेस, क्योंकि सी ब्रिज चल रही है तो आप समुद्र की तरफ मूव करके खड़े हो तो हवा तो यहाँ से यहाँ को चलेगी, यानी विंड विल स्ट्राइक यूर फेस, यानी आपके जो है फेस को अपने मुंह पे स्ट्राइक करेगी, ना कि बैक पे। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आप रात के टाइम पे बैठे हो, उल्टा बैठे हो, उल्टा मतलब आपका फेस जो है वो बैक की तरफ है, ऐसे मतलब आप लैंड पे ऐसे बैठे हो और आपका उल्टा बैठे हो, आपका फेस इस साइड की तरफ है, और अब कह रहा है क्या, विंड विल स्ट्राइक यूर फेस एंड कंटिन्यू टू सी, विंड विल स्ट्राइक यूर फेस, बिल्कुल आपका फेस को स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इस टाइम पे लैंड ब्रिज यानी जमीन से कहा की ओर समुद्र की ओर हवा चल रही होगी। इसका मतलब है सेकेंड स्टेटमेंट सही है, यानी ओनली टू विल बी आंसर, तो आंसर विल बी बी, ठीक है, आपका किसी का आंसर सही नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। मतलब ये डिफिकल्ट तो नहीं था, ये तो आसान था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पूछा गया था, ये आंसर आपका होना चाहिए था, ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज एयर गेट वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीज, यानी जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है इसकी आर्द्रता ग्रहण की क्षमता यानी होल्ड मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज यानी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इफ ऑल अदर थिंग आर कॉन्स्टेंट, ऑल अदर का मतलब अदर चीजें जो अदर एलिमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहे, कॉन्स्टेंट रहने का मतलब वो क्या रहे, स्थिर रहे, मतलब उनपे कोई भी परिवर्तन न हो तब, ठीक, आपको बताना है सही या गलत है, करेक्ट आंसर पूछा तो सही है बताना आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द व्हाइट ट्रेल लेफ्ट बाय जेट, आपने देखा होगा एक जो जेट्स हैं वो एक लंबी सी पूंछ निकालते हैं, ठीक है, लंबी सी पूंछ मतलब ऐसी कुछ, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो जेट्स हैं ये जो एरोप्लेन हैं वो उनकी लंबी सी जो जेट होने का जो कारण है ये कह रहा है ये होती है कंडेंसेशन यानी संघनन की वजह से, संग्रहण ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम इंजन यानी इंजन से जो आर्द्रता मॉइस्चर जो छूट रहा है उसका संग्रहण हो जाता है, इसकी वजह से लंबी सी पूंछ दिखाई देती है यानी ये ट्रेल दिखाई देती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, साइक्लोनिक रेनफॉल यानी जो चक्रवाती बारिश है, चक्रवाती वर्षा है, कॉज इन मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर यानी गर्म और ठंडी हवा के मिल जाने से जो है चक्रवाती वर्षा होती है। आपको बताना है कौन से करेक्ट है, आपको दिए जाते हैं 1.5 मिनट, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। बोला गया था कि जो है हवा जितनी गर्म होगी यानी एज एयर गेट वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीज यानी इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी अगर ये कांस्टेंट हो जाए, तो सही आंसर है, क्योंकि जितना गर्म होगा, ये मैंने पहले ही बताया था, हवा जितनी गर्म होगी जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी सूप
मतलब हवा सूख जाएगी, ऐसा ही समझो कि जैसे इंसान को धूप जितनी ज्यादा लगेगी वो पानी पीने की क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे ही हवा भी है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसके मॉइस्चर यानी आर्द्रता यानी पानी पीने की क्षमता बढ़ती जाएगी, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा कह रहा है द वाइट ट्रेल लेफ्ट बाई जेट ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन, मतलब जो जेट है वो इस तरीके से जो लंबी पूंछ निकाल रहे हैं ये क्या है, ये होता है आपका संघनन की वजह से, ऐसा कुछ स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये बात भी सही है क्योंकि इंजन जो है बहुत गर्म होता है, इससे जो है जैसे गाड़ियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से आपने देखा होगा ना गाड़ी के जो साइलेंसर है वहां से धुआं निकलता है, और वो धुआं जो है क्या होता है एक्चुअल में वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, और ये इवेपोरेशन ही जो एरोप्लेन है जो जेट से इनसे निकलता है, लेकिन ऊपर इतना ठंडा है कि ये जो इवेपोरेशन हो रहा है यानी ये जो वाष्पीकरण निकल रहा है बाहर, ये तुरंत क्या हो जाता है इसका कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है, और ये बादल टाइप के लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन की वजह से ही बादल लगते हैं, बात समझ में आई। तो इसकी वजह से क्या होता है जो है ये व्हाइट टेल की बनती है, लिखा भी है देखो, जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ व्हाइट टेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन जो है क्या कंडेंस यानी वो संघनित हो जाता है। वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, यानी यहाँ पे कोई हवा ना हो तो इस तरीके से संघनित हो जाता है। तो वही मैं बता चुका हूँ कि संघनन की वजह से ये होता है, तो इसका मतलब है ये आंसर भी सही है। तीसरा बोला गया है कि साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो किसकी वजह से होती है, गर्म और ठंडी हवा मिलने की वजह से होती है, और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये साइक्लोनिक रेनफॉल है जहाँ पे ठंडी और गर्म हवा जब मिले तो एक फ्रंट बनेगा, फ्रंट का मतलब एक वाताग्र बनेगा, और वाताग्र बनने के बाद बारिश होगी, तो ये भी आंसर आपका सही हो जाता है, यानी ऑल ऑफ दीज यानी डी इसका जो है वो परफेक्ट आंसर होगा, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है द ट्रोपोस्फीयर इज लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो ट्रोपोस्फीयर है यानी ट्रोपोस्फीयर को हम बोलेंगे क्षोभ मंडल हिंदी में, जो क्षोभ मंडल है वो क्या है एटमॉस्फेयर का सबसे निचली सतह है, लोएस्ट का मतलब सबसे निचली सतह है जिसको हम बोलेंगे। दूसरा है द स्ट्रेटोस्फीयर यानी जो समताप मंडल है कंटेन द ओजोन लेयर, यानी समतान मंडल में ही जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में होती है। और तीसरा है द आयनोस्फीयर यानी जो आयन मंडल है, आयन मंडल क्या है लोकेटेड अबव द मेसोपॉज यानी जो मेसोपॉज है, मेसोपॉज मैंने बताया था कि हर मेसोपॉज का मतलब मेसोस्फीयर जहाँ खत्म हो जाती है उसके बाद आयनोस्फीयर शुरू होता है। तो आपको बताना है कि कितना कौन से स्टेटमेंट सही है, उसके लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। सिंपली पूछा गया था आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह है, हाँ होती है, ये देखो क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह है तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है, ये भी सही है, ये देखो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, सही हो गया। तीसरा है आयनोस्फीयर जो है वो मेसोपॉज के ऊपर लोकेटेड है, तो मेसोपॉज ये है ये, इसके ऊपर थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर का हमें पता है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आयनोस्फीयर और दूसरा एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो मेसोपॉज के ऊपर आयनोस्फीयर होती है, ये भी सही है, यानी आंसर होगा आपका डी, तो डी जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोला गया था डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड यानी जो दो देशांतर है इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी जिनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है डिक्रीज यानी कम होती जाती है जैसे जैसे हम टूवर्ड्स पोल की यानी ध्रुव की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ध्रुव की तरफ बढ़ने की जैसे जैसे बढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड यानी दो देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाएगी, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इंक्रीज टूवर्ड द पोल यानी जो लैटिट्यूड्स है यानी अक्षांश है इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको बताना है क्या इंक्रीज मतलब होता है बढ़ती जाती है और लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको दिया जाता है इसके लिए 1 मिनट, बहुत आसान सा है जल्दी से बताइए। देखो पहला स्टेटमेंट था आपका कि जैसे जो देशांतर है देशांतर यानी जो लॉन्गिट्यूड्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है यानी कम होती जाती है जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये देखो ये है आपके लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे आपको दिख रहा होगा दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी, ये कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया,
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इंक्रीज टूवर्ड द पोल, ये है लैटिट्यूड, ये कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पोल की तरफ जाने की वजह जैसे जैसे जाएंगे ये इंक्रीज यानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कॉन्स्टेंट रहती है। कॉन्स्टेंट रहने का मतलब है कि ये एक जैसी रहेगी, जितना इक्वेटर पे है उतना ही ऊपर पोल की तरफ भी रहेगी, ठीक है ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी आंसर हो गया आपका ए ओनली वन, ठीक है। आप लोगों के आंसर अभी भी सही नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट ड्यूरिंग द ईयर ऑकर्स ड्यू टू इलेप्टिकल नेचर ऑफ अर्थ ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी ये कह रहा है कि जो दिन और रात में वेरिएशन होता है, जो दिन और रात की लंबाई में वेरिएशन होता है पूरे साल भर में, वो किस लिए होता है, अर्थ की जो ऑर्बिट है यानी जो सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसके इलेप्टिकल पाथ यानी इसके ये अंडाकार पाथ की वजह से होता है, ये जो चक्कर लगा रही है ये गोल नहीं है इसलिए ऐसा होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द समर यानी गर्मियों के टाइम पे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में द डे लाइट इंक्रीज टुवर्ड पोल, यानी जो दिन की लाइट है वो पोल की तरफ जाने पर बढ़ती है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको दिया जाता है इसके लिए चलो 1.5 मिनट, जल्दी आंसर करिए। देखो ये क्वेश्चन है क्या, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट ड्यूरिंग द ईयर ऑकर्स ड्यू टू द इलेप्टिकल नेचर ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ये तो बिल्कुल सही था, पहला जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पे मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या है, वो हमें खुद ही पता है कि जैसे ये इलेप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है इसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और ऋतु यानी जो सीजन चेंज होंगे तो उसकी वजह से जनरली क्या हो जाएगा, अपने आप से आपको क्या मिल जाएगा, ये जो है दिन और रात में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट था यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, देखो क्यों, ध्यान से देख सुनना इसको, ठीक है कि ड्यूरिंग द समर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डे लाइट इंक्रीज टूवर्ड्स द पोल, कहने का मतलब ये है कि जब गर्मी हो जाती है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी ये जून वाले टाइम पे कह रहा है कि जब जून वाले टाइम पे गर्मी हो जाती है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य आ जाता है, तो हम जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे दिन की अवधि बढ़ेगी, डे लाइट का मतलब हुआ कि जो दिन की अवधि है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आपको लग रहा है, ये हम लोगों ने देखा ये लग रहा था गलत, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है, कैसे, क्योंकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के ऊपर सूर्य ऐसे लंबवत आ जाएगा, लंबवत आने के बाद होगा क्या, कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहां पे ये होगा कि जब उत्तरी पोल यानी ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे 6 महीने के दिन रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब कर्क रेखा पे सूर्य आता है तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने के दिन रहते हैं जबकि साउथ पोल पे 6 महीने की रातें रहती है। इसका अपोजिट तब होता है जब यहाँ मकर रेखा पे सूर्य आता है, यहाँ 6 महीने के दिन होंगे जब मकर रेखा पे सूर्य आएगा, यहाँ पे रातें होंगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे सूर्य है तो इसका मतलब यहाँ दिन ही है, 6 महीने का दिन है, इसका मतलब यहाँ रात हो ही नहीं रही है, दिन ही दिन है, तो इसका मतलब मिनिमम जो है दिन की अवधि यहाँ पे है और मैक्सिमम दिन की अवधि यहाँ पे है, और इसका मतलब ये हो गया कि हम इस कर्क रेखा से ऊपर यानी पोल की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी, यही स्टेटमेंट आपका ये दूसरा वाला कह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही था और करेक्ट आंसर था आपका सी।